कटक जी क्विक काउंटर अनंत विजय जी ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं क्षेत्रंजन कांके जी नेक्स्ट 20 मिनट्स टू यू 3 हां अजय आलोक जी क्विक काउंटर दो दो सीनियर जर्नलिस्ट बोला नहीं है कुछ थैंक यू खड़गे जी ने कोई गाली नहीं दी। खड़गे जी ने अपनी मानसिक व्यथा व्यक्त की कि अब डेस्परेशन के उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि ये तक कहना पड़ गया कि जब तक मोदी हटेंगे नहीं मैं मरूंगा नहीं। और उनको भीष्म जटायु से कृपया कंपेयर मत कीजिए रत्नाकर जी, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। अब मेरा कोई संस्कार नहीं बदला, मेरा इतिहास पता कर लीजिएगा कि मैंने राजनीति कहां से शुरू की थी। अब ये दूसरी बात, एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपकी पूरी बात सुनाना, मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना मेरी बात, सुन लीजिए। आप लोग हो गए या खड़गे जी हो गए एक ऐसे विद्यार्थी के लिए बैटिंग कर रहे हैं जो लगातार दो परीक्षा में 543 नंबर में 10% से कम नंबर लाया, तीसरी परीक्षा में 543 नंबर में 20% से कम नंबर लाया, और तब भी आप लोग बैटिंग किए जा रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अरे सोचिए इस देश का क्या होगा भाई। मोदी ने साबित किया अपने आप को प्रधानमंत्री बनने के पहले गुजरात में कि गुजरात का कैसे कायाकल्प करते हैं। मोदी के पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल थी, उसने प्रूफ किया था, देश को प्रूफ किया था, इसलिए देश चाहता था कि मोदी जी आए प्रधानमंत्री के बागडोर संभाल लें। राहुल गांधी का एक कृत्य बता दीजिए जहां उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अरे कांग्रेस पार्टी की बात की है तो कांग्रेस को डुबा दिया। 208 वाली कांग्रेस पिछले 11 साल से 100 का आंकड़ा नहीं पार कर रही है, लगे हुए बैटिंग राहुल गांधी के लिए करने के लिए। नसरुल्ला पे ना आपने कुछ बोला ना राजकुमार भाटी ने बोला, ये राहुल गांधी की संगत का असर है कि एक आतंकवादी की भी आप लोग निंदा नहीं कर सकते हैं। मेमन खान को आप निकाल नहीं सकते, आप कहते हैं कि हम गवर्नर को क्यों नहीं निकाले। ईडी की आप बात करते हैं, एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट निर्मला सीतारमन पे कैसे कैसे चार्जेस लगाए, हाईकोर्ट में जाएगा मामला, एक सेकंड में उठ जाएगा। और ईडी पे जो आज गिरफ्तार किया वो हाईकोर्ट के कहने पे किया, कर्नाटक हाईकोर्ट के कहने पे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है और आप उसको एक जगह कंपेयर करने लगे। मुझे आश्चर्य लगता है कि इस देश के प्रबुद्ध व्यक्ति, आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति, भाटी जी जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति, इस देश का सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट जो प्रबुद्ध है वो भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के बारे में सोच कैसे सकता है, उसके लिए बैटिंग कैसे करता है। क्या ओंकारेश्वर जी गलती से भी 20-25 साल बाद भी अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो 47 में विकसित भारत बनेगा, 52 में वापस से खड़गे जी रिकॉर्ड बनाएंगे, 1972 वाली स्थिति आ जाएगी। आनंद जी ओंकारेश्वर जी चित्रंजन जी, अरे भाई चित्रंजन जी भी है, आ रहा हूँ चित्रंजन जी, आनंद जी और ओंकारेश्वर जी, आनंद जी स्टार्टिंग विद यू। मुझे तो ऐश्वर्य जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आज रत्नाकर जी हिंदू वांग्मय के बहुत सारे उदाहरण दे रहे थे। लेकिन जटायु का कोई इतिहास नहीं है, भीष्म का कोई इस प्रकार का प्रण लेने का इतिहास नहीं है, और उन्होंने चाणक्य और चंद्रगुप्त का उदाहरण दिया कि शिखा नहीं मानेंगे चूच का कोई इतिहास नहीं है। लेकिन खड़गे जी की तो ऐसी वाणी का इतिहास है रत्नाकर जी। 2022 में उन्होंने कहा कि 10 सिर वाले रावण है क्या, उसके बाद एयरपोर्ट पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नारा लगाया कि कब्र खुदेगी मोदी, कब्र खुदेगी, उसके बाद अब ये मरने मारने की बात करना। तो जब आप हिंदू वांग्मय का उदाहरण देते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि रत्नाकर जी बड़े विद्वान पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे तो हैं, सब लोग लगातार इनको बहुत सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि जब आप भारतीय वांग्मय या हिंदू वांग्मय की बात करें तो थोड़ी समग्रता में होलिस्टिकली बात करें तो वो हास्यास्पद नहीं लगेगी और उसको गंभीरता से लिया जाएगा। अब कहां जटायु, कहां विष और कहां खड़गे जी। तो जो खड़गे जी रावण कह चुके हैं मोदी को, उनसे आप जटायु और इसकी तुलना कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि खड़गे जी जैसा नेता, जो सीजनड नेता होता है, ये दरअसल क्या होता है कि नेताओं के मनोभाव प्रकट तभी होते हैं जब वो बहुत अटर फ्रस्ट्रेशन में रहता है। मैंने 3-4 साइकोलॉजिस्ट से बात की कि ऐसी बात क्यों निकली उनके मुंह। उन लोगों ने मुझे बताया कि चूंकि उनके सब कॉन्शस में ये बात चल रही होगी कहीं ना कहीं, और जब वो लड़खड़ाए वहां, उसके बाद जब लोगों ने पकड़ के उनको खड़ा किया, तब उनके मुंह से ये निकल गया कि मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं, ईश्वर करे खड़गे साहब को बहुत लंबी उम्र मिले। लेकिन ये जो मनोवैज्ञानिक है उनसे आप बात करेंगे ईश्वर, तो आपको ये पता चलेगा कि जितने भी हिंदू वांग्मय के उदाहरण दिए सब खड़गे साहब पर फिट नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन में जो कुंठा पनप रही है वो कुंठा इतनी कठोर हो गई है, उसी स्थिति में आपके मुंह से ऐसी बातें निकलती है। मुझे लगता है कि इस पर कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए कि एक इतना सीजनड नेता जो अपने मनोभावों को इस विकट परिस्थिति में काबू न कर पाए,
वो उनका अध्यक्ष है और इस तरह की बातें सार्वजनिक मंच से कर रहा है कि मैं मर जाऊंगा जब तक वो हटेगा नहीं, तो ये बड़ी हल्की बात कर दी, इसको कोई गाली नहीं। मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहने वाले एक व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा नहीं करता हूं कि वो ऐसी हल्की बात करेंगे, लेकिन खड़गे साहब लगातार करते रहे हैं, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ कि जब वो लड़खड़ाए तो उनके मुंह से ऐसी बात निकली। और दूसरी एक और बात मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बाद में अजय आलोक जी ने भाटी जी को कम से कम प्रबुद्ध तो माना, दोनों इतने एग्रेसिव हो गए थे कि आप तो भाटी जी प्रसन्न हो जाओ, आप कहां ऊपर देख रहे हो, अरे सॉरी बोल दिया होगा, आपको प्रबुद्ध मान लिया उन्होंने भाई, और आप इतना चश्मा पहन लिया उन्होंने, तो प्रभु आप प्रबुद्ध आदर्श वक्ता की तरह हम लोग आपको देखते हैं, इतनी आलोचना को भी आप झेल जाते हैं, तो इस तरह से न किया करो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आप भी, आपकी भी उम्र 83 साल हो जाएगी तो आप भी खड़गे जी की तरह पर्दे मारने की बात करने लगोगे, तो ऐसी ऐसा ठीक नहीं। रत्नाकर जी आ रहा हूं, ओके, लेकिन ओमकारेश्वर जी बोले नहीं, ओमकारेश्वर जी पहले, ओमकारेश्वर पांडे जी, ओमकारेश्वर जी योर व्यू पॉइंट, टू वर्सेस टू, थैंक यू। मैं सबको सुन रहा था और अजय आलोक जी और भाटी जी के बीच में जो टकराव हुआ उसको भी सुन रहा था। दुर्भाग्यजनक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को जो है शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना ही चाहिए, किसी के बारे में भी पर्सनल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। देखिए, लोकसभा चुनाव अभी गुजरे हैं, उसमें तरह तरह के शब्द हम लोगों ने सुने हैं, उसके बाद यहाँ आए हैं, और मैं बाय एंड लार्ज देख रहा हूँ कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं, राजनीतिक दलों ने काफ़ी हद तक मर्यादा का पालन कर रखा है। जिन संदर्भों में खड़गे जी ने वहाँ कहा, 83 साल की उम्र में जब वो डिजीनेस फील कर रहे थे और उनको एक तरह से बेहोशी सी आ गई, फिर उनको उठाया गया, तो ऐसी उम्र में आदमी क्या कह सकता है अपने श्रोताओं को, दर्शकों को, कि अरे आप चिंता मत करो, मैं मोदी जी को हटाने से पहले नहीं मरूंगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अंतिम उद्देश्य यही होता है कि वो अपनी अपोजिट पार्टी को सत्ता से हटाए। ये कोई ऐसी डिमिनिंग या अपमानजनक बात मैं इसको नहीं मानता। आपने जो त्रिपाठी जी ने जो एग्जाम्पल दी है, रत्नाकर जी ने महाभारत के इसके उसके, अनंत जी को वो पसंद नहीं आया, मैं ताजा उदाहरण दे देता हूं आपको, बिहार में सम्राट चौधरी ने भी तो पगड़ी बांध रखी थी और वो कर रखा था कि जब तक नीतीश बाबू को नहीं हटाएंगे तब तक हम ये नहीं खुलेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात राजनीतिक तौर पर आप, हां जो आलोक जी कह रहे थे कि भाई किसी को मौत का सौदागर कहना या किसी के टुकड़े टुकड़े मोदी तेरी कब्र खोदेगी, इसकी मैं निंदा करता हूं, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, ऐसा बयान किसी को भी नहीं, किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में नहीं देना चाहिए, चाहे वो आज मोदी हो या कल कोई और हो। तो भाषा की मर्यादा दोनों पक्षों को रखनी आवश्यक है और जरूरी यह है कि मुद्दों पे बात हो। बहुत तरीके से भाटी जी ने इसी बहाने कई सारे मुद्दे उठाए जो जरूरी मुद्दे हैं। आज स्पेस टेक्नोलॉजी के जमाने में इतने पुल क्यों उखड़ रहे हैं, बह रहे हैं, सड़कें उखड़ रही हैं और देश में जो हालात हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करता कि भाई इतना बाढ़ आया हुआ, इतना बुरा हाल है, कहीं उसकी भी चर्चा कर लें। उसमें भी कहीं ना कहीं करप्शन इन डेवलपमेंट हो रहा है, तभी तो ये पुल गिर रहे हैं, तभी मूर्तियां गिर रही हैं, तभी कुछ और हो रहा है। उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, और जब चुनाव की बात हो, चाहे वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर की, तो दोनों पार्टियां अपने अपने एजेंडा पे बात करें कि भाई मेरा ये मैनिफेस्टो है, ये एजेंडा है, 10 साल के जो सरकार थी यहां पे डबल इंजन की, वो उसको इतना खटारा कैसे खट्टर साहब बना गए कि वहां पर हालात बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। बात तो इस पर होनी चाहिए थी ना। ओके।